हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू शिल्पास फूड कोर्ट। अगर एक नाश्ता बना बना के अगर आप बोर हो गए हैं, तो आज मैं आपके लिए एक नए तरह का नाश्ता लेके आई हूँ, पोटैटो इडली, जो कि हेल्दी भी है और खाने में बहुत टेस्टी भी है और झटपट बन भी जाता है। तो चलिए, हम आज बनाएंगे पोटैटो इडली। इसके लिए मैंने एक मिक्सी के जार में एक आलू लिया है, मैंने बारीक पीसेस में वॉश करके अच्छे से कट कर लिया है, और ये मिक्सी में जार में लेने के बाद में इसका हम एक स्मूथ पेस्ट बनाएंगे। अभी मैं इसमें ऐड करूँगी 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, आप कोर्सली कट कर सकते हैं हरी मिर्च को, कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं, इसका एक पेस्ट बना लेंगे हम। थोड़ा सा इसमें अब मैं ऐड कर रही हूँ पानी, और मिक्सी के जार में इसे आपको एकदम स्मूथ पेस्ट बनते तक ग्राइंड करना है। अब एक बाउल में मैं आधा कप सूजी ले रही हूँ। आधा कप सूजी से आपकी 8 से 10 इडलियाँ बन जाएगी, और जो पेस्ट हमने आलू का ग्राइंड किया है, अब मैंने वो ऐड कर दिया है इसमें। ये इडली खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1.5 चम्मच घी। दही बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, और इसे हम इस तरह अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से आपको सूजी के अंदर दही को और उस पेस्ट को आलू के अच्छे से मिक्स कर लेना है। थोड़ा मुझे ये गाढ़ा लग रहा है, इसलिए मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। इस तरह से देखिए, पानी ऐड करके आप इसे बहुत अच्छी तरह से विस्क करेंगे। आप जितना ज़्यादा इसे अच्छे से विस्क करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका जो बैटर है वो स्मूथ हो जाएगा और आपकी इडली स्पंजी बनेगी। ये देखिए, मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। अब इसे ढक कर 20 मिनट के लिए हम इसी तरह रख देंगे। 20 मिनट बाद देखिए, हम चेक करते हैं हमारा बैटर कैसा है। ये देखिए, बैटर काफ़ी गाढ़ा हो गया है, क्योंकि सूजी बहुत अच्छे से फूल गई है हमारी, और एक बढ़िया सा इडली का बैटर हमारा जो है वो बिल्कुल हमें स्मूथ सा बैटर बन के रेडी दिख रहा है। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ 1/2 चम्मच नमक। नमक आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, और इसे मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। इसको व्हिप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जितना ज़्यादा इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, आपकी इडली उतनी ही ज़्यादा अच्छी बनेगी। ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, बैटर एकदम रेडी है। अब फाइनली मैं इसमें ऐड करूँगी इनो फ्रूट सॉल्ट। ये 1 टीस्पून ही रहता है एक छोटे पैकेट में, वो ऐड करके मैं इसे अच्छे से मिलाऊँगी। एक बात का ध्यान रखना है कि जैसे ही आप इनो मिक्स करें, उसके बाद इमिडिएटली आपको इस इडली को बनाना है। इडली का जो बर्तन है, आप ग्रीस करके रखें पहले से ही। ये देखिए, मैंने इडली का जो अपना बर्तन था, उसे अच्छे से ग्रीस करके रखा है ऑयल से। अब मैं अपना बैटर इसमें डालूंगी। इस तरह से आपको आपका जो इडली का बैटर है वो इसमें डाल देना है। ये इडली नॉर्मल इडली से थोड़ी सी फ्लेवर में अलग होती है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इन इडलियों का। ये देखिए, मैंने ये भर लिया है, अच्छे से थोड़ा टैप कर लेंगे, और अब हम इस इडली को 15 मिनट के लिए स्टीम पे रखेंगे। ये देखिए, हमारी इडली 15 मिनट बाद बनके बिल्कुल रेडी है। बहुत ही स्पंजी और बहुत ही फ्लफ़ी ये इडली बनी है। इस तरह से आप इन इडलियों को चटनी के साथ भी खा सकते हैं, बट मैं इन्हें थोड़ा एक तड़का लगाती हूँ हमेशा। मैंने एक पैन गरम किया है, उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच ऑयल। थोड़ा सा ऑयल गरम हो गया है, अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच राई। थोड़ी सी राई क्रैकल होगी। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 2 हरी मिर्च। ये देखिए, थोड़ा सा इसे सॉटे करेंगे कुछ इस तरह से। अब मैं इसमें ऐड करूँगी करी लीव्स। बहुत ही अच्छा इससे खुशबू आ जाती है, और ये तड़का लगाने से फ्लेवर जो है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाता है। इस तरह से हम इसे थोड़ा सा सॉटे करने के बाद हमारी जो इडलियाँ हैं उनको हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने सारी इडलियाँ इसमें अच्छे से डाल दी है। अब थोड़ी देर बाद इन्हें ऐसे फ्लिप कर देंगे। आप देखिए, एक तरह से बहुत अच्छे से ये फ्राई हो गई है। इससे जो इडलियों का टेस्ट है वो और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है, अगर आप ऐसे फ्राई कर लेंगे तो। ये देखिए, हमारी इडलियाँ बिल्कुल बन के ऑलमोस्ट रेडी है। आप इन्हें चटनी के साथ खा सकते हैं, नारियल की चटनी, मूंगफली की चटनी, किसी भी चटनी के साथ एकम्पनी कर सकते हैं। आप ऐसे भी खाएंगे तो ये इडलियाँ बहुत टेस्टी लगती है।
ये देखिए हमारी इडलियाँ बिल्कुल रेडी हैं, हमने इन्हें अच्छे से एक तड़का दे दिया है। आप कोई और मसाले भी इनमें ऐड कर सकते हैं, बट मैं बेसिकली इनमें कोई भी मसाला दूसरा ऐड नहीं करती हूँ, क्योंकि ये बच्चों के लिए भी खाने के लिए काफ़ी हेल्दी है। इस तरह से आप मेरी ये पोटैटो इडली बनाएं, आपको डेफिनेटली ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। ये बहुत ही हेल्दी है, बच्चों को टिफिन में आप ये दें, बच्चे इन्हें फटाफट ख़त्म कर लेते हैं, और किसी भी तरह की चटनी के साथ आप इन्हें सर्व कर सकते हैं। रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई नई रेसिपी अपलोड करूं आपके फ़ोन की भी घंटी बजे। तब तक स्वस्थ रहिए, खाते पीते रहिए। बाय बाय।